ये कार भी जा रही है, मेरा फ्रेंड संग मिस विथ हिज वाइफ। मैं अपने इस बाइक पे, बड़ी हैवी बाइक है भाई, टाइम इज 3:15। चलिए हमने ट्रिप मीटर को जीरो कर दिया, देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस आता है पहला लॉन्ग राइड अपने डोमिनार का। फर्स्ट लॉन्ग राइड ऑलमोस्ट अप एंड डाउन, मुझे लगता है कि ये 600+ किलोमीटर रहेगा। मेरा फ्रेंड वहाँ पर ऑल्टो को टर्न कर चुका है, वो अपनी वाइफ के साथ में ऑल्टो पर और हम अपने डोमिनार पर। लेट्स गो। तो हम लोग अभी एमजी रोड इंटर करने वाले हैं, ये ट्रिनिटी सर्कल है, तो फुली मेरा फ्रेंड भी मेरे पीछे आ गया होगा। यस, मेरा फ्रेंड भी आ गया है एंड दिस इज एमजी रोड। करा रहे थे पेट्रोल, मतलब मैं नहीं, मेरा फ्रेंड करा रहा था। और हम लोग किंगेरी पहुंच चुके हैं, टाइम हो गया है 4:10। मज़ा आ रहा है कसम से, इस बाइक का एक अलग ही आनंद है। और ये डोमिनार की पहली लॉन्ग राइड, आई होप इट इज गोइंग टू बी ऑसम। लेट्स गो। मैं अपने फ्रेंड के पीछे पीछे चल रहा हूँ। So we took a small break here. We have been riding continuously, so it's 5:42, 5:42. 5:42 ho gaya. 93 kilometers chala liya. 37 ka mileage dikha raha hai bhaiya odometer pe. Sahi hai ki galat hai Ram jaane. Log ne 15 minutes ka break liya idhar aur hum log direct Mysore mein rukenge. और तो हम लोग डायरेक्ट, अरे भाग रहा है बाइक। तो हम लोग मैसूर में रुकेंगे कहीं पे चाय वाय पीने के लिए। बाइक तो मज़ा ला दिया भाई, दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया एकदम, बहुत ज़्यादा अच्छा था, मज़ा आ गया। लेट्स गो। मांडिया से मैसूर वही 40-45 किलोमीटर के आसपास है। मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, पहले जब मैं मैसूर में जॉब करता था तो अक्सर मैं बेंगलोर से मैसूर आया करता था बाइक से, और वही पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं। ये है मांडिया, हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैसूर में ही जाकर, कहीं पे ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक है, अगेन वी विल कंटिन्यू। तो आप लोगों को पता ही है हम लोग गोपाल स्वामी बेटा जा रहे हैं, बेटा मतलब पहाड़ कन्नड़ा में, और वो भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है वहाँ पे, बहुत पुराना मंदिर है। चलिए चलते हैं आगे, कैसे कैसे हम लोग जाएंगे पहुँचेंगे तो आप देखते जाएंगे, पता चलेगा। मेरे बाइक का माइलेज देखिए, माइलेज पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 37 किलोमीटर पर लीटर आफ्टर राइडिंग 141 किलोमीटर। गॉड नोज हाउ आई एम गेटिंग दैट मच ऑफ माइलेज, बट यस स्पीड इज लॉक्ड टू 70 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मैसूर, टाइम हो गया 6:52, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 156 सो फार, एंड वी आर सर्चिंग फॉर ए होटल वेयर वी कैन हैव इडली, एंड आई थिंक आई हैव गॉट इट। मुझे ऐसा ही चाहिए, ऑथेंटिक टेस्ट वाला, अगर इडली अवेलेबल है वेल एंड गुड, बट चाय भी होना चाहिए।
इडली है क्या? इडली 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 चाय चाय नहीं है संगमेश, आई एम फीलिंग हंग्री लिटिल विद टी, यू कैन हैव दैट, विल हैव इडली हियर, टी विल हैव देयर, यू कैन लिटिल विद बैक साइड। ये मैसूर का फेमस चामुंडी हिल, जिसके ऊपर चामुंडी माता का मंदिर है, और इसी मंदिर में जाकर मैंने मेरी बेटी को मांगा था। बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है, बहुत ही खूबसूरत टेंपल है। जब मैं मैसूर में रहता था तो मैं अक्सर यहाँ पे आया करता था मेरी वाइफ के साथ में। तो मैसूर से चलते चलते हम लोग लगभग 40 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। थोड़ा तो संगमेश टोल पे उसको रोकना पड़ गया, वो कार में है, उसको टोल पे करना पड़ा होगा, तो मैं थोड़ा आगे तक निकल गया हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है मैंने, फिर हम लोग दोनों साथ में ही जाएंगे जब वो आ जाएगा, तो दैट वे एक छोटा सा ब्रेक भी मिल जाएगा मेरे बाइक को। सो फार सो गुड। वेदर तो पूरा फॉगी हो गया, मैसूर में ही फॉगी हो गया, बीच में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर से। बहुत ही मस्त वेदर हो गया है। 11 किलोमीटर नंजनगुड़ ऑलरेडी निकल चुका है। आई विल वेट फॉर माई फ्रेंड, वंस ही कम्स देन वी विल कंटिन्यू। तो हम लोग गोपाल स्वामी बेटा जा रहे हैं, आई थिंक सेकेंड टाइम मैं बता रहा हूँ। ये एक मंदिर है श्री कृष्ण भगवान का पहाड़ के ऊपर पे, और नीचे में ही हम लोगों को अपनी बाइक और कार पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर तक अपने व्हीकल से जाना अलाउड नहीं है। एंड द रीज़न इज़ कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं, और उन्हें कोई दिक्कत ना हो और हमें भी उनसे कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से सिर्फ गवर्नमेंट बसेस अलाउड हैं और गवर्नमेंट बसेस हमें ऊपर लेकर जाएंगे। तो यही रूट ऊटी भी चला जाता है, बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, स्ट्रेट नाक के सीधे में है ऊटी, 90 किलोमीटर ही है। और आई थिंक यस माई फ्रेंड हैज स्कैम, सो ओके सो आई विल ऑल्सो कंटिन्यू। वो भी जस्ट क्रॉस किया। इस बाइक से मुझे बस एक ही कंप्लेन है कि बहुत ही ज़्यादा भारी है। चलिए चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। खूबसूरत मौसम में नए नए बाइक पे डोमिनार का बीट्स सुनते हुए हम लोग चलते रहते हैं। हम लोग गुंडलू पेट पहुंच चुके हैं, टाइम हो गया 8:30। तो यहाँ से अगर हम राइट टर्न लेंगे तो बहुत ही जल्दी हम लोग केरला में इंटर कर जाएंगे। यहाँ से राइट टर्न लेते ही सुल्तान बाथरी आता है, बांदीपुरा आता है केरला वाले पार्ट का, इस तरफ जाने पे कर्नाटका का बांदीपुरा नेशनल पार्क आता है, स्ट्रेट जाने पे ऊटी है, और स्ट्रेट जाकर कुछ दूर के बाद 10 किलोमीटर्स पर राइट टर्न लेने पे वो हिंदवाद गोपाल स्वामी टेम्पल लाएगा। आई गेस संगमेश ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुका है, आई डिड नॉट सी हिम एनीवेयर, तो आई विल ऑल्सो कंटिन्यू, रास्ते में कहीं मिल जाएगा। तो यहीं से हमें राइट टर्न लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये जगह आ गया गुंडलू पेट से। नाउ आई हैव टू सी वेयर इज संगमेश, नहीं यहाँ पे नहीं है, पहले लेता हूँ राइट टर्न, उसके बाद रोकता हूँ बाइक, यहाँ पे मैं रोकता हूँ बाइक और उसके बाद उसको मैं कॉल करता हूँ। सो आई जस्ट स्पोक विथ माई फ्रेंड और वो वेट कर रहा था एक्चुअली गुंडलू पेट में, और मैं नहीं देख पाया उसको, अभी वो निकल चुका है। आई थिंक अनदर 5 more minutes एंड ही विल बी हियर। तो एक बार वो आ जाएगा तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आ गया, अभी उसकी कार जा रही है,
तो हम लोग भी चलेंगे। उसको मैंने रुकने के लिए नहीं बोला, कंटिन्यू करने के लिए बोला, क्योंकि जितना जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी दर्शन, उतना ही जल्दी दर्शन हो जाएगा, और जितना जल्दी दर्शन हो जाएगा हमें फिर दूसरा टेंपल भी विजिट करना है, इसलिए चलते रहेंगे, चलेंगे चलेंगे। This I think we cannot go by our private vehicles, we have to take the government bus, so we have to park our bike and car here only somewhere, parking car is 30. जोर से हवा चल रही है। अच्छा पूजा, इतना अच्छा पूजा कि मैंने कभी देखा ही नहीं, सच में मेरा मतलब दिल खुश हो गया, इतना अच्छा पूजा हुआ है। और कितने विधि से हुआ है, कितने तरीके से हुआ है, शायद ही मैंने मतलब ऐसा कहीं पूजा देखा है। सच में दिल जिसको खुश होना बोलते हैं वैसा हो गया, एकदम पवित्र हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मज़ा आ गया, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा लगा। शायद ही मुझे किसी और टेंपल में इतने देर तक इतने अच्छे से भगवान का पूजा करते हुए देखने का मौका मिला, इतना नज़दीक से देखने का मौका मिला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी मूर्ति है इसके अंदर में श्री कृष्ण भगवान की। कभी भी आपको मौका मिले तो आप आ सकते हो यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल टेंपल। और जो भगवान की मूर्ति है वो तो और भी लाजवाब है, दूध से हुआ, घी से हुआ, जल से हुआ, और भी पता नहीं कितने कितने तरीके से नहलाया गया, धोया गया, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग अभी ऊपर पे हैं, नीचे में हम लोगों की नीचे में हम लोगों का गाड़ी है पार्किंग में, और ऊपर तक हम लोग अपने गाड़ी से नहीं आ सकते, बस में आए, बीच में हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया, वहाँ पर से हमें दोबारा बस मिलेगी नीचे में फिर, और ये रास्ता है नीचे जाने के लिए। तो अब यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे और फिर MM हिल्स के तरफ जाएंगे। अब देखते हैं वहाँ जाने पे कैसा लगता है, भगवान ही है, और पूजा करने का अलग अलग विधि होता है, अलग तरीका होता है, तो बस मन खुश हो जाना चाहिए, ऐसा ही हुआ यहाँ पे, होपफुली वहाँ पर भी और भी अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं। तो यह इज़ द बस, यही बस है जो हम लोग पकड़ के नीचे जाएंगे, इस दोनों में से कोई भी बस। 30 रुपये आने का लिया था, जाने का मालूम नहीं उसी में है या फिर अगेन वी हैव टू पे। विकीपीडिया पे तो देखा था 60 रुपीज़, दैट मीन्स वी हैव टू पे इट अगेन, एंड दिस इज द टेम्पल। बहुत ही खूबसूरत सराउंडिंग,
So we are now going down to our parking. Yeah, while going down it will go very fast. Okay, so we have reached to our parking. Ooh.